हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा LCD LED TV का जो मदरबोर्ड है उसका मेन IC खराब या सही है, ये कैसे आप पता करोगे। तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ बेसिक सा टिप्स बताऊंगा, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से पता लगा पाओगे कि हमारे LCD LED TV का जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड के अंदर जो मेन IC लगा हुआ है वो खराब है या सही। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा जो मेन IC कहाँ पर रहता है। देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग बोर्ड्स है। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है, ये हमारा मेन IC है, इसके अंदर ये हमारा मेन IC है, और ये एक सैमसंग का मदरबोर्ड है, इसके अंदर ये हमारा मेन IC है, और ये भी एक मेन IC है, देख सकते हो। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका जो डिटेल्स वीडियो है डायग्राम के साथ, वो मैं अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर डालता हूँ। कि जैसे कि आप अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मेन IC को फाइंड करोगे कि ये सही है या गलत है या ख़राब हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर डाल दिया हूँ, जहाँ पर मैंने डायग्राम के ज़रिए समझाया हूँ कि अगर आपके TV के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इस IC को पहचानोगे ये ख़राब है या सही है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मेन IC बहुत ही कम LCD LED TV के अंदर ख़राब होती है। जब कोई शॉर्टिंग वगैरह हो जाती है तब हमारा मेन IC ख़राब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, इस मदरबोर्ड के अंदर एक मेन IC लगा हुआ है जिसका कंडीशन आप देख सकते हो कि ये ब्लास्ट हो चुका है और ये बीच में से फूट चुका है। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आपके TV के पास जो भी रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं आपके पास उसके अंदर अगर होगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपका जो मेन IC है वो ख़राब है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर से वो शॉर्ट हो जाता है, बाहर से आपको नहीं दिखता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको IC का डेटा शीट निकालना होगा, और डेटा शीट निकालने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो मैंने पहले ही मेरे YouTube चैनल पे डाल के रखा हूँ। आपको क्या करना है, आपको मेरे LCD LED TV रिपेयरिंग का प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से LCD LED TV का जो मेन IC होता है या कोई भी IC होता है उस IC का किस तरीके से डेटा सेट निकाला जाता है इंटरनेट से। जैसे कि आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड के अंदर TSUMV59XUUH नंबर का एक मेन IC लगा हुआ है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा, मतलब जो भी प्रोसेस है डेटा सेट डाउनलोड करने का, उस प्रोसेस के जरिए सबसे पहले डेटा सेट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसका जो इनपुट और आउटपुट सेक्शन है, मतलब इनपुट पिन और आउटपुट पिन आपको फाइंड करना होगा कि कहां से हमारा वोल्टेज इनपुट होगा इस IC को एक्टिवेट करने के लिए, और उसके बाद कहां कहां पे हमारा सिग्नल आउटपुट होंगे वो भी आपको चेक करना होगा। अगर सारे जगह पे वोल्टेज अगर मिल जाएंगे तो ये हमारा IC खराब सही सलामत होगा, ये ख़राब नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि मेन IC का वोल्टेज चेक करने से पहले आपको 2-3 जगहों पे वोल्टेज चेक करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा बायोस IC है, इस बायोस IC के 8 नंबर पिन पे आपको चेक करना होगा 3.3 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद इस बोर्ड के अंदर देख सकते हो 8 पिन का वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। ये कहीं पर आपको तब पता चलेगा जब आप इस नंबर का डेटा से निकाल के देखोगे कि ये कंपोनेंट्स आखिर क्या है, क्योंकि कहीं कहीं बार ऐसा भी होता है ये डबल MOSFET वाला भी होता है, सिंगल MOSFET भी वाला होता है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर भी हो सकता है। तो आप जब इसका डेटा सेट निकालोगे या इस बोर्ड का सिमेट्रिक डायग्राम निकालोगे तभी आपको पता चलेगा इन सारे चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर हम इस बोर्ड की बात करें, देख सकते हो इस IC को चलाने के लिए और इस IC को चलाने के लिए यहाँ पे 2 वोल्टेज रेगुलेटर दिया हुआ है। अगर इस प्रकार के किसी भी LED TV के अंदर रेगुलेटर रहेगा तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। और ये जो 4 पिन वाला यानी कि 3 पिन वाला वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका आउटपुट पिन ये होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल के रखा हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। और उसके बाद इस IC के ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है 777 और 3.3 वोल्ट, ये भी है और ये भी है, आप देख सकते हो। तो आपको चेक करना होगा कि हमें 3.3 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे सही सलामत आउटपुट पे वोल्टेज मिल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो मैंने जैसे ही पहले बता दिया हूँ कि IC का डेटा सेट निकालना है, और डेटा सेट निकालने के बाद इसके अंदर आउटपुट हो रहा है कि नहीं ये आपको देखना होगा।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसके आउटपुट में तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन आईसी के अंदर जाते जाते वो रास्ते में गायब हो जा रहा है। मतलब इस रास्ते में कहीं गड़बड़ी है जिसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो आईसी तक नहीं पहुँच रही है। तो इसको चेक करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ, और भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कोई भी ट्रैक को ट्रैकिंग किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे डिजिटल माइक्रोस्कोप के इस डिस्प्ले पर, तो ये जो हमारा पिन है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये जो हमारा पिन है ये हमारा 3.3 वोल्ट का आउटपुट आपको मिलेगा। आपको मैं थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है जहाँ पर लिखा हुआ है 3.7 3.3 वोल्ट, और ये इसका आउटपुट है। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो भी ट्रैक है वो किस तरीके से ट्रैकिंग किया जाता है, ये देखिए यहाँ से जाके ये हमारा कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तब भी आपका जो टीवी है वो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा, और आपके स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है और माइक्रो प्रोसेसर ऑन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो टीवी है वो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कारण है गाइस स्टैंड बाय से रिलीज ना होने का। उसके बाद देख सकते हो इसी ट्रैक के ऊपर यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसके बाद फाइनली हमारा ये जो ट्रैक है यहाँ पे आके इस पिन पे आके हमारा जा रहा है। तो अगर जब मल्टीमीटर से आप चेक करोगे तो आपको सारे कुछ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हो अगर कोई भी एक भी कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्टिंग हो तो आपका जो वोल्टेज है वो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि मेन आईसी तक नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण की वजह से हमारा मेन आईसी ऑन नहीं होगा और हमारा जो टीवी है वो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा। और मेन ऐसे अगर ख़राब हो जाए, बाकी सर्किट अगर सही रहे आपके टीवी के अंदर, तो आपका टीवी जो है स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा। मतलब आपका इंडिकेटर चलेगा लेकिन टीवी जो है स्टैंड बाय से रिलीज कभी नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मदरबोर्ड के अंदर जहाँ पे जितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज चेक करना होगा। उसके बाद अगर आउटपुट में आपको वोल्टेज मिले लेकिन जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, तो मान लीजिए आपका वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो उसका ट्रैक भी चेक करना होगा। और अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट में वोल्टेज मिल रहा है लेकिन आउटपुट से कोई भी सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है, तब आपको 100% कंफर्म कर लेना होगा कि हमारा मेन आईसी ख़राब है। तो ये दो तीन सिंपल सा प्रोसेस है हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी कि मेन आईसी को चेक करने के लिए, तो कि ये हमारा सही है या नहीं। और अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी इसी प्रकार से मेन आईसी को चेक करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब मेरे पास इस वाले टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आया था तो वो स्टैंड बाय मोड पे था, मतलब स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं टीवी को खोल के देखा तो मैंने देखा कि ये जो मेन आईसी है ये ब्लास्ट हो चुका है, देख सकते हो। और ये क्यों ब्लास्ट हो चुका था मैं भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा HDMI केबल है, क्योंकि ये जो टीवी है ये CCTV के अंदर लगा हुआ था CCTV का फुटेज देखने के लिए, तो यहाँ पे HDMI केबल लगा हुआ था। तो जब HDMI केबल लगा रहा था उस टाइम ये शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से देख सकते हो यहाँ पे भी बर्न हो चुका है, थोड़ा सा आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी बर्न हो चुका है। और इसके वजह से जब हमारा जो शॉर्टिंग का ओवर वोल्टेज यानी कि ज़्यादा जो वोल्टेज है यहाँ पे आते हुए, यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगा हुआ था ये भी बर्न हो चुका है, उसके बाद हमारा IC भी बर्न हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा वोल्टेज आ चुका था HDMI केबल के ज़रिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एक टीवी का मेन आईसी को किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो दोस्तों और एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आपको LCD LED टीवी का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो तो हमारे वेबसाइट में हर दिन 2 से 3 टीवी का सॉफ्टवेयर अपलोड करता हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं हर दिन 2 से 3 टीवी का जो सॉफ्टवेयर है मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो अगर आपको किसी भी टीवी का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी तो आप हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर किसी भी टीवी का यानी कि किसी भी बोर्ड का सॉफ्टवेयर ना मिले तो आप किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जब भी कमेंट करोगे वो कमेंट मेरे पास आ जाएंगे, जिस बोर्ड का नाम आप लिखोगे उस बोर्ड का सॉफ्टवेयर मैं 2 दिन के अंदर मेरे वेबसाइट पर अपडेट कर दूँगा, जिसके बाद आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके आप अपने टीवी के अंदर डाल के टीवी को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले इन सारे चीज़ों के बारे में। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इस तरीके का और भी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।